दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। ये 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पुण्य रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। बाहर रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमयी हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंददायी लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना, ये अगर 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों को। संकेत बताने से पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नव दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा, कैसे और कौन से 7 संकेत हैं जिस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 स्वरूप कहे गए हैं, इनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है, ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वो नवदुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं, उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है वो है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? ये पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता जो शैलपुत्री स्थित रहती है, वृषभ इनका वाहन है। ये अपने हाथों में खड़क, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिक, शूल, सुमुंडी, कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती हैं। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजा माता के हैं, 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी शैलपुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम शंख शैलपुत्री देव्य नमः। नवरात्रि के द्वितीया दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा ये भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचार्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूप, गणेश जननी, नारायणी विष्णुमयी और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपनी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में ताप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है।
माता की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके जो चंड है ये भयंकर है, घंटे की ध्वनि से ये सभी दुष्ट दैत्यों का नाश करती है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं तो माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल गदा धनुष बाण खड़क त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली हैं, ज्ञान से जगमगाने वाली हैं, दीप्तिमयी हैं। ये सिंह के आसन पर अरुण हैं तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुख रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप बाधाएं और जो परेशानियां आती हैं वे विनष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय होता है। अगर आप भी माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवी माँ चंद्र घंटा की ध्यान से सुनिए। देवी माँ चंद्र घंटा का मूल मंत्र है, ओम चंद्र घंटा देव्ये नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कूष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम से भी सुन लीजिए, ये माता कूष्मांडा है। ये हंसने मात्र से अंडे का निर्माण करती है, अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ब्रह्मांड को पैदा की है। माता कूष्मांडा ने ही सृष्टि का जो अस्तित्व है ये हम सबके बीच में लाई है, क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कूष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और ये 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। अपने हाथों में 8 भुजाओं में धनुष बाण कमल पुष्प अमृत पूर्ण कलश चक्र तथा गदा रखे हुए हैं, और ये सभी प्रकार के 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई हैं। इनका वाहन सिंह है और कूष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते हैं। देवी हमें आयोग्य यश और बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है, ओम कूष्मांडाय नमः। नवरात्रि के पंचम दिवस माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैल पुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया, तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो हैं उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। स्कंद महाराज को स्कंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। देखिए मैं इनके स्वरूप का बखान करना चाहूंगा। स्कंद माता की दाहिनी भुजा में कमल बाएं भुजा में वर मुद्रा है। इनकी 3 आंखें हैं, 4 भुजाएं हैं। वर्ण पूर्णता शुभ्र कमल के समान है। ये कमल पर विराजमान के समान इनके शरीर में कांतिमयी है। उनका शरीर एकदम चमकीला है। इन्हें कई प्रकार के नामों से जाना जाता है, पद्मासन देवी भी कहते हैं। अब स्कंद भगवान इनकी गोद में हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता भी कहते हैं। और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति की परम सुख का अनुभव होता है। भक्तों को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति ये स्वयं कराती हैं। जो भी आपको वस्तु चाहिए इनकी पूजा करने से आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। अगर आप माँ स्कंद की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता का मूल बीज मंत्र, ओम देवी स्कंद माताय नमः। ये माता का मूल बीज मंत्र है। दोस्तों इसके बाद नवरात्रि के 6 दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के 6 रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। अब इनके स्वरूप जान लेते हैं तो माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं, ये भक्तों को वरदान देती है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरा हाथ बर मुद्रा में है और अन्य हाथों में तलवार तथा कमल फूल लिए हुए हैं। माता की भक्ति जातक को अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के बाद माता को जो मूल बीज मंत्र है वो इस प्रकार से है, ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र से जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की 7वीं तिथि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली अग्नि भय जल भय जंतु भय रात्रि भय को दूर करने वाली काम क्रोध
और शत्रु का नाश करने वाली काल की भी रात्रि विनाशिनी होने से देवी का नाम काल रात्रि पड़ा है। माता के स्वरूप है, माता के शरीर का रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंड माल है, तीन नेत्र है, हाथ में गदा पकड़े हुए हैं, दाहिने हाथ बर मुद्रा में, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, बाएं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त कराती है। माता का जो बीज मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छाये, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर ओम कालिके नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई हैं, माँ महागौरी, माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है ये महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धो करके मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौण वर्ण प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। तो देवी माता के स्वरूप कुछ इस प्रकार से हैं। देवी महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण जो हैं श्वेत कलर के हैं। इनकी चार भुजाएं हैं और बाहन वृषभ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ बर मुद्रा में है। ये सुहासिनी शांति मूर्ति और शांत मुद्रा में है। माँ की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चल रहे कष्ट हैं, उनको तत्काल दूर करती है। जो देवी माँ का अष्टम स्वरूप महागौरी कहा गया है, ये सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नव दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से ये तत्काल प्रसन्न होती हैं। देवी का जो नौवां स्वरूप कहा गया है वो है सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी का जो नौवां स्वरूप है वो है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से विरक्त होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की थी, सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के नौवे दिन इनकी पूजा करते हैं, इनके स्वरूप जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री की चार भुजाएं हैं, वरण जो है रक्त वरण की है, बाहन इनका कमल पुष्प पर आसीन है, एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अणिमा लगीमा प्रकाम्या महिमा सर्वकाम बा स्थायिता दूर श्रवण करने की सिद्धि आदि समस्त सिद्धि नौ निधि की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर ये भेदभाव नहीं करती, सभी को ये सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दीजिए और जो बीज मंत्र बताया है इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको अष्ट प्रकार की सिद्धि और नौ प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ये सात संकेत बताते हैं माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती हैं और ये घर के इधर गिधर घूमती रहती हैं, वहाँ से नौ दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्रह्मणी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नौ दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है, तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है, तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी
अंतर आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवा संकेत बताते हैं, बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह बद्ध निकल रही है और रास्ता काट रही है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। ये माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। छठवा संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं और ये आपको समझना होगा। तो ये सात संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या कभी आपने ईश्वर के होने का एहसास करा है? तो समझो आप ईश्वर के वो भक्त हैं जो करोड़ों में एक होता है। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो जय माता दी जरूर लिखना।